हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब ज्ञान बनारस में। और मैं समय मौजूद हूँ जैतपुरा स्थित भागेश्वरी देवी माता के मंदिर में। और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी काफी जबरदस्त थीम पे इस बार पंडाल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, देखिए जो घर दिख रहा है ये पूरा यहाँ पर इस बार गाँव का दृश्य बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते पूरा नजारा दिखाते हैं कि इसमें पंडाल का कार्य कितना पूरा हुआ है, कितना बाकी सभी दिखाऊंगा। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, बैक कैमरे से पूरा नजारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसमें भागेश्वरी देवी माता के मंदिर में आ गया हूँ। और देखिए यहाँ पर जो कि पूरा देखिए ये बैरिकेडिंग किया गया है, देख रहे हैं। और सामने आपका है भागेश्वरी देवी माता का मंदिर, देख रहे हैं। देखिए और इधर देखो, तो देखिए इधर ही जो फील्ड है इसी में बनाया जा रहा है पंडाल। और इस बार यहाँ का थीम है गांव का, देख रहे हैं। ये पूरा गांव का जिसे घर होता है उसी तरह यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आपको बता दूँ ये पूरा पर्दे पर बना हुआ है और इस पर जो कि पूरा मिट्टी का लेप लगाया गया है, जिससे कि पूरा एकदम मिट्टी का घर होता है उसी तरह पूरा लुक आ रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। तीन तल्ला का बनाया गया है ये पूरा, और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हैं। तो कहीं यहाँ पर ये दरवाज़ा बनाया गया है और ये खिड़की, देख रहे हैं। और देखिए जैसे गांव में पूरा सजाया जाता है चुन्ना द्वारा, देखिए उसी तरह पूरा यहाँ पर पेंटिंग किया गया है। और ऊपर का भी देख सकते हो, ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा भी लगाया गया, पूरा छाजन दिया गया मड़ई का पूरा, देख रहे हैं। इधर देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये खिड़की बनाया गया है, देख रहे हैं। और आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं ये पूरा कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है और इसी पे पूरा मिट्टी का पूरा लेप किया गया है, देख रहे हैं। पूरा मिट्टी का लेप लगा हुआ है जिससे कि ये पूरा एकदम रियल एकदम जिसे होता है ना मिट्टी का घर, एकदम उसी तरह ये लग रहा है एकदम। और इधर दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये जो स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी जो कि घर बनेंगे, छोटे छोटे मड़ई बनेंगे और वहाँ पे पुतले भी लगेंगे, जैसे कि घास फेंकता हुआ आदमी औरत और चीलम गाजा पीते हुए, इसी तरह पूरा गांव का एकदम दृश्य दिखाया जाएगा, जैसे गांव का माहौल होता है इसी तरह पूरा यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए ये भी मड़ई बनाया जा रहा है गांव में, जैसे होता है ना झोपड़ी इसी तरह यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये सब पूरा आपका एक लाइन से पूरा यहाँ पर लगेगा पूरा, देख रहे पूरा स्पेस एकदम खाली कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी बन रहा है और हो सकता है कि आज ये पूरा सेटिंग कर दिया जाए, क्योंकि आज नवरात्र का छठा दिन है और कल सप्तमी है और कल से यहाँ पर जो कि दर्शन शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं। और देखिए पूरा सजावट भी कर दिया गया है झालर बत्ती द्वारा, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये मिट्टी का लेप बनाया गया है और इसी मिट्टी का जो कि प्रयोग किया जा रहा है पूरा पंडाल में, देख रहे हैं। पूरा मिट्टी को यहाँ पर पंडाल में एकदम पूरा लेप बना के रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जो कि प्रतिमा बैठ चुका है अभी तक, देखिए जो कि चेहरा खुला नहीं है, तो आपको चलते हैं माँ का भी दर्शन करा देते हैं। और इस बार यहाँ पर जो कि प्रतिमा काफी अलग बना हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रतिमा लग चुका है और अभी देखिए चेहरा नहीं खुला हुआ है। आज जो कि प्राण प्रतिष्ठान पूजा के बाद जो कि यहाँ पे चेहरा खुलेगा। और देखिए इस बार यहाँ पे कुछ अलग बना हुआ है मूर्ति, देख रहे हैं, पूरा पुअरा से बना हुआ है। गांव में पुअरा होता है ना, देखिए उसी तरह ये बना हुआ है उसी से, देखिए सभी प्रतिमा जो कि बनाया गया इस बार कुछ अलग बनाए यहाँ पर। और देखिए ये भैंसा का जो कि चेहरा है जिससे माँ दुर्गा पकड़ी हुई है, देख रहे हैं। काफी जबरदस्त इस बार यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। और इधर देख सकते हैं शेर भी है, ये आपका पूरा पुवरा है, जो पतलो होता है उसी का ये बनाया जा रहा है पूरा, जिससे चटाई बिना जाता है, देख रहे हैं, पूरा उसी का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर जितने भी प्रतिमा है सब उसी तरह बनाया गया है पूरा,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये कागज है उस पर ये पूरा पूरा चिपकाया गया है, ये सजावट के लिए लगाया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया इसी तरह, और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे देख रहे हैं पूरा ये सब कागज पे फेविकोल लगा के फिर इस पर पूरा छिड़क दिया गया है और इसे सूखने के लिए छोड़ा गया है। ये सब पूरा आपका जो कि सजावट पे लगाया जाएगा, देख रहे हैं। और पंडाल में दिखाऊं तो पंडाल आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर भी पूरा चिपकाया गया पूरा आपका, देख रहे हैं काफी जबरदस्त इस बार यहाँ का पंडाल होने वाला है, सबसे हट के यहाँ का पंडाल है इस बार, देख रहे हैं। और पंडाल के अंदर का भी आपका लगभग काम पूरा हो गया है, देखिए यहाँ पर पंखा सब लगा हुआ पूरा, और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए, ऊपर देख रहे हो, ऊपर भी देखिए ये पूरा भूसा लगाया गया एकदम चपका कर, काफी जबरदस्त लग रहा है। और काफी बड़ा यहाँ पे स्पेस दिया गया पंडाल के अंदर कि आराम से दर्शनार्थी आए तो आराम से माँ का दर्शन यहाँ पे कर पाए, देख रहे हैं ये सब, देख रहे पूरा आपका ये सब पूरा है। और देखिए ये लई गोंद है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको चपकाने के लिए, और देखिए यहाँ पर छोटा सी जो कि माँ दुर्गा की प्रतिमा है, और इन्हीं प्रतिमा का जो कि प्राण प्रतिष्ठान पूजा होगा उसके बाद यहाँ पर जो कि सभी प्रतिमाओं का जो कि चेहरा खुल जाएगा। और पीछे आप ये जो पर्दा देख रहे हैं ये पूरा आपका जैसे आगे बना हुआ है उसी तरह यहाँ पे भी बनाया गया, पूरा कॉटन के कपड़े को लगाया गया, फिर उसके बाद इस पर मिट्टी का लेप लगाया गया है, और इस पर देखिए ये पूरा व्हाइट कलर का पूरा डिजाइन बनाया गया है, देख रहे हैं। तो दोस्तों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जा दीजिए, हर हर महादेव।